नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। भले ही वो उदास हो, हताश हो, निराश हो और कितनी ही असफलता उसको मिली हो, लेकिन एक न एक दिन उसको सफलता अवश्य मिलेगी, उसको जीत अवश्य मिलेगी। और ऐसा इंसान कौन होता है? ऐसा इंसान यह होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को बार बार असफलता मिल रही है, हताशा मिल रही है, निराशा मिल रही है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं जाता है, फिर भी वह व्यक्ति अपना कर्म करना नहीं छोड़ता है, फिर भी वह व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनको हताशा मिलती है, जब उनको निराशा मिलती है और जब उनको असफलता मिलती है ना, तो वो नशा करने लग जाते हैं, वह ड्रग्स लेने लग जाते हैं और वह गलत रास्तों पर चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप नशा करते हो, आप ड्रग्स लेते हो, तो थोड़ी देर के लिए आप टेंशन मुक्त हो जाओगे, चिंता मुक्त हो जाओगे अपनी हताशा से, अपनी निराशा से, अपनी असफलता से। लेकिन जब वो नशा उतरेगा तो फिर वही टेंशन, वही हताशा और वही निराशा आपको घेर लेगी। वह तो क्षण भर के लिए आपके दिमाग से टेंशन दूर कर लेगी, लेकिन लंबे समय के लिए तो टेंशन पैदा होगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितनी भी असफलता मिले, चाहे कितने भी दुख मिले, लेकिन गलत रास्ते पर मत जाना, कभी भी गलत कार्य मत करना, कभी भी किसी के साथ में चीटिंग मत करना, कभी किसी के साथ में धोखा मत करना, कभी किसी के साथ में ईर्ष्या मत करना और कभी किसी से जलन की भावना मत रखना। धोखा और चीटिंग ये थोड़े समय के लिए है, लंबे समय के लिए नहीं चलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हताशा किसे नहीं मिलती है, इस दुनिया में निराशा किसे नहीं मिलती है, इस दुनिया में दुख किसे नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको दुख मिलेगा, हताशा मिलेगी, निराशा मिलेगी, तो आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। ऐसा मत करना। जब भी आपको असफलता मिले ना, तो खूब कर्म करना, खूब मेहनत करना और प्रभु पर विश्वास रखना। आपका बुरा समय एक दिन अच्छे समय में बदल जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भगवान श्री राम को इस दुनिया में दुख मिला, हताशा मिली, निराशा मिली, तो क्या वो गलत रास्ते पर गए? नहीं गए, वो अपना कर्म करते रहे और भगवान पर विश्वास रखते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैंने स्वयं इस धरती पर अवतार लिया तो मुझे कितना दुख मिला, मुझे कितनी निराशा मिली, मुझे कितनी हताशा मिली, तो क्या मैं गलत रास्ते पर गया? नहीं गया, मैं अपना कर्म करता रहा और प्रभु पर विश्वास रखता रहा। एक दिन मेरे जीवन में भी अच्छा समय आ गया। जब भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेकर अपन को सिखाते हैं कि कर्म करते रहो, चाहे तुम्हें हताशा मिले, चाहे तुम्हें उदासी मिले, चाहे तुम्हें निराशा मिले, चाहे तुम्हें हजार बार असफलता मिले, कोई बात नहीं, कर्म करते रहना और प्रभु पर विश्वास रखते रहना, आपका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाएगा। एक बात जरूर ध्यान रखना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की हमेशा जीत निश्चित होती है, जो व्यक्ति दुख मिलने पर और असफलता मिलने पर भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, अपना कर्म करते रहता है और प्रभु पर विश्वास रखता है ना, आज नहीं तो कल उस व्यक्ति की जीत निश्चित होती। तो आप भी ध्यान रखना कि जब भी जीवन में आपको हताशा मिले, आपको निराशा मिले, आपको उदासी मिले और बार बार आपको असफलता मिलती रहे, फिर भी गलत रास्ते में मत जाना। आप लोग प्रभु पर विश्वास रखना और अपने कर्म पर विश्वास रखना, एक दिन आपकी जीत निश्चित होगी।